हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों नई अपडेट पाने के लिए, जो रियल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो बड़ी खबर आई है, जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होने वाली उसके बारे में जो बड़ी खबर आई है उसकी बात कर लेते हैं। तो बिना प्रवेश परीक्षा पीजी में एडमिशन होंगे। परीक्षा से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया है। जो आपकी यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं होने वाली है, बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी है सभी की जो एग्ज़ाम होने वाली है, एमए, एमएससी जितने भी हैं सभी की एग्ज़ाम होने वाली है, वो जून में होने वाली है परीक्षाएं। तो देख सकते हैं, इस खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए परीक्षाओं से पहले राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। 16 अप्रैल से 31 मई तक सभी राजकीय कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। परिस्थितियां ठीक होने पर यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं जून के प्रथम सप्ताह से, और यूजी की जो प्रथम द्वितीय वर्ष और पीजी पूर्वोत्तर वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं की सहित अन्य परीक्षा 15 जून के बाद आयोजित कराई जाएगी। और जो टेस्ट नई मेरिट से मिलेगा पीजी से एडमिशन, जो नए सेशन में पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन के लिए इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, पिछली परीक्षाओं के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश होंगे। यूजी के प्रथम ने प्रवेश प्रक्रिया 15 जून को या 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद में जो परीक्षाएं हैं परिणाम लेट हुए हैं तो परिणाम लेट होंगे। और दो यूजी और द्वितीय और जो तृतीय वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए पीजी उत्तराधर की कक्षाओं में छात्र को अस्थायी प्रवेश देकर कक्षाएं शुरू होगी। और प्रोफेशनल कोर्स है जैसे एजुकेशन लॉ MBBS की परीक्षाएं उनके आगामी एकेडमिक सेशन के लिए उनकी संबंध में नियामक शीर्ष संस्थाओं में NCTE, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, AIECTI आदि के निर्देशन अनुसार के अनुपालना की जाएगी। तो दोस्तों आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो BA, BSc, BCom जितने भी हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो MA फर्स्ट ईयर, जो MA सेकंड ईयर जितने भी हैं, MA, MSc, MCom जितने भी परीक्षाएं जो जून के जो प्रथम सप्ताह में होने वाली हैं, वो जो 3 मई तक जो लॉकडाउन रखा गया उसके बाद में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 3 मई तक जो लॉकडाउन रखा गया है उसके बाद में जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होंगी, जो होगी जो लगभग आपके 10-15 जून तक के मध्य आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू स्टार्ट होनी हो सकती हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।